जनाब भट्ट है जी। कहाँ से हैं सर आप? जम्मू कश्मीर जी। आज आप सॉन्ग के लिए पीसी कर रहे हैं जी। कितना आपका सॉन्ग चल चुका है और इस सॉन्ग बनाने का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से इसमें आपने स्टेप डाल रखे हैं, लोगों को पसंद आए? ये सॉन्ग बना तो एक दिन में, लेकिन रिलीज होने में बहुत टाइम लगा। कोविड की वजह से, जैसे आप लोगों को पता है, टाइम लगा इसको रिलीज होने में। बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी है इसको रिलीज करने में, और लॉकडाउन में हम लोगों ने शूट किया है इसको, तो बहुत अच्छे से शूट किया। हमारी टीम जो थी बहुत अच्छी टीम थी, और हमारे डायरेक्टर संजीव सर, उनकी मेहनत है। सबसे पहले डायरेक्टर की मेहनत होती है एक गाना या एक मूवी बनाने, तो उनके बेस पे हम लोगों ने बनाया ये गाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा, पूरी पब्लिक को ये गाना पसंद आएगा। ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं इसको, इसमें हम लोगों ने लव एलिमेंट डाला हुआ है इस गाने में, तो ये एक ऐसे धोखे टाइप का गाना बनाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। एक दिन में 1 लाख व्यूज क्रॉस कर गया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और उम्मीद है मुझे कि आगे ये और ज़्यादा मशहूर होगा। रोमांटिक गाना है ये, धोखे टाइप का है? हाँ, धोखे टाइप का है। एक हम कह सकते हैं रोमांटिक और सैडनेस मिक्स्ड है इसमें। अच्छा अच्छा, तो कितना चल चुका है ये गाना लोगों तक, कहाँ कहाँ लोगों तक पहुँच चुका है ये गाना? जो अभी तक चल रही है कैलकुलेशंस, फेसबुक पेज के हिसाब से 1 लाख तो क्रॉस कर चुका है, और यूट्यूब पे 20,000 के आसपास जा रहा है। अभी एक दिन हुआ है गाने को, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। अब बस पब्लिक पे डिपेंड करता है, पब्लिक पसंद करनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो ज़रूर पसंद करेंगे। अच्छा, गाने के साथ साथ आगे की क्या तैयारी है? आप फिल्म इंडस्ट्री में घुस चुके हैं। हमारी एक मूवी आ रही है जिसका नाम नॉट रीचेबल है, जिसमें मेरे साथ शक्ति कपूर सर होंगे, शाहबाज सर होंगे, मुग्धा गोडसे जी होंगी, और भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे, बड़े बड़े एक्टर्स, जिनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि इनके साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ लॉन्च होने का मौका मिल रहा है, और इंशाल्लाह वो मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, और जल्द से जल्द 5-6 महीने के अंदर उसकी शूटिंग कम्प्लीट होके स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उस मूवी में ऐसा क्या आप लोगों ने कंटेंट डाल रखा है, लोगों तक पसंद आया? मूवी एक काइंड ऑफ सर्वाइवल मूवी है, उसमें मुझे सर्वाइव करना है, एक कंडीशन है, मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि रिवील करेंगे तो फिर सब पता ही लग जाएगा पहले। उसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, और मुझे वहां से निकलना है जी। पॉइंट वो है कि निकलना है, और उसमें जो मैं सर्वाइवल करता हूँ उस चीज को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। अच्छा, तो वो मूवी लोगों तक पहुंचेगी तो लोग उसको देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, लगता है? इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, क्योंकि वो एक सर्वाइवल मूवी है, और सर्वाइवल मूवी में चांसेस चाहिए बचने के लिए, बहुत चीजें चाहिए होती है, और जो लोगों को पसंद आता है, एक काइंड ऑफ अ थ्रिलर मूवी जैसी बन जाएगी। जी, अभी आप और आगे कितनी मूवी बनाने की सोच रहे हैं? फिलहाल तो फोकस एक पे है, आगे इंशाल्लाह देखेंगे, और आएगी, बहुत मूवीज आएंगी, फिलहाल हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। तो कोरोना महामारी में तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश आपकी तरफ से और आपके गाने की तरफ से, मतलब आपने गाने का बाद में बोलते हैं, पहले लोगों के लिए बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारे इंडिया में, तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और बाहर ज़्यादा ना निकले, मजबूरी से ही बाहर निकले, जब कोई ज़रूरत बहुत ज़रूरी काम हो तब घर से बाहर निकले, वरना निकले। इतनी बड़ी कामयाबी का क्या राज है, किसको शेयर देंगे आप? किस अपने फादर को, एक्चुअल मैं सपोर्ट वही कर रहे हैं, मुझे इस गाने के प्रोड्यूसर वही है इम्तियाज़ अहमद भट्ट, और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँचा। और दूसरे नंबर पे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं, पब्लिक और मीडिया का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और आगे जो मूवी आप लोग तैयारी? बस